मान जो गुरु प्यारे हो, गुरु फतेह जी सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। एक मिशन कॉलेज लुधियाना वालों ऑनलाइन गुरमत क्लास आप सारे जी आया, सारे का स्वागत है। इतिहास के पन्ने आप जी ने साझे कर जा रहे हैं, जिन्हें सानू ये समझाती है असल विच वो मनुख आजाद है जो दूजे नूं आजादी का हक दवांदा होवे। आजादी का निग तां हर कोई मान सकता है, पर दूजे नूं आजादी का निग दवाना बड़ी कठिन जी बात है, औखी बात है। इतिहास के इन्हां पन्नियां दे 24 तरीक नूं गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन शहीदी दिहाड़ा है। उन्हां दे नाल प्यारे गुरसिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, जिन्होंने गुरु जी के सन्मुख शहीद किया गया, जिन्होंने सिखी नूं केसां सुआसां नाल निभाया, अपनी अणख अपनी आबरू नूं कायम रखिया। एक ऐसा इतिहास है जिहड़ा सानूं नवें पूरने पाउंदा है। तो गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का जीवन, उन्हां दी बाणी और उन्हां दी शहादत बारे अज साडे नाल विचार सांझे कर रहे हन वीर मनमोहन सिंह जी। पुंछ तो बेनती कर रहा हाँ वीर जी को कि अज दी विचार आरंभ करन, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का जीवन ते शहीदी। वीर मनमोहन सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज की रोजाना गुरमत क्लास की हाजिरी भरते हुए समूह गुरु खालसा सत्संग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे ही वडभागी जीव हो जो कि गुरमत की इस क्लास विच हाजिरी भर के सतगुरु पातशाह जी की पवित्र बाणी, गुरमत के सिद्धांत, गुरमत फिलासफी, गुरु इतिहास की जानकारी घर बैठे हुए प्राप्त कर रहे हो। एक उपराला है सिख मिशनरी कॉलेज का, खास करके सत्कारयोग वीर हरजीत सिंह जी का, कि असी घर च बैठ के ही रोजाना गुरमत की जानकारी जो है वो लै सकीए, ताकि सानू गुरमत की सोझी जो है घर बैठिया ही प्राप्त हो जाए। सो जो दास नवाज का विशा वीर जी ने हुक्म किया है, महान गुरु पातशाह महान इस करके नहीं कि वह साडे गुरु हैं, बल्कि महान इस करके कि संसार के अंदर जो इतिहास धन गुरु नानक पातशाह जी के घर ने सिरजिया है, अते गुरु जोत गुरु पातशाहों ने अपने अपने समय के अंदर जो जो मनुखता की भलाई दे वास्ते संसार के इतिहास के अंदर जो इतिहास बनाया है, उसका कोई भी सानी इतिहास के अंदर है ना होगा। अच्छा, असी महान शहीद शहीद पोतियां दे दादा, शहीद दादे दे पोते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन अते उन्हां दी शहादत के बारे च विचार करांगे। दास दे कोल इतनी समर्था ते ताकत नहीं, पर फिर भी कोशिश रहेगी कि गुरु पातशाह जी के जीवन तो अते उन्हां दीआं महान कालावां, मनुखता प्रति किए हुए पर उपकारां दी उन्हां दे इतिहास दे विचों कुछ को विचारां आप जी दे नाल सांझा कर सकां, क्योंकि सतगुरां दे जीवन बारे वड्डे वड्डे जो विद्वान हन उन्हां दे भी हाथ जोड़े हैं जो हन वो खड़े हो जाते हैं कि जो सतगुरु पातशाह जी ने संसार दे अंदर मनुखता की भलाई दे वास्ते जो पर उपकार किए हैं। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, धन गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर तेरा पूरा सत्कार ना हो सकिया, कवियां आलमां आरफां फाजलां तो
आप दा पूरा विस्तार ना हो सकिया, पुत्र किसे पासे, पोतरे किसे पासे, एक था पूरा परिवार ना हो सकिया, सीस किसे पासे, तार किसे पासे, एक था आप दा संस्कार ना हो सकिया। गुरु प्यार वाले उस संसार दे इतिहास के अंदर सतगुरु पातशाह धर्म दे एक एहो जे रैबर ने जिन्होंने जिथे संसार दे अंदर मनुखता नू आत्मक तौर दे उत्ते बलवान करन दे वास्ते संसार दे अंदर धर्म दी सच धर्म दी जो सी ओ ज्ञान सच धर्म दी जो तालीम सी ओ दित्ती, उत्थे नाल ही सतगुरु पातशाह ने जदों धर्म दे उत्ते धर्म दी आजादी दे उत्ते जदों संसार दे अंदर भीड़ बनी समय दे हाकम ने जिस दा राज उसे दे धर्म दा जदों डंका बजा दिता हुक्म चला दिता ते सतगुरु पातशाह जी ने उस वेले उस जुलम दे सामने उस दे उस जालम दे सामने खड़ोके उन्हों वंगार के गल कह दिती कि संसार दे अंदर हर मनुख नूं अपने अकीदे अनुसार अपने धर्म दीआं जो रोह रीतां ने उहदे अनुसार जीउण दा हक है अते अपना शरीरक भांडा उस नूं विनाश करवा के तुड़वा के भाव शहादत दे के शहीदी प्राप्त करके सदीवी तौर दे उत्ते संसार दे अंदर धर्म की आजादी की जो हामी सी सतगुरु पातशाह जी ने भर दिती, भावें अत दे तसीए सतगुरां ने अपने शरीर दे उत्ते अते अपने नाल अनिन जो सिख सन उन्हां दे उत्ते थुंदा तशद्दद देख के उन्हां नूं शहीदी का जाम जो सी ओह पींदिआं देख के भी सतगुरु पातशाह अडोल रहे अते जुलम दे सामने जो सी ओह अपना सीस ना चुकाया, जालम की ईन ना मन्नी। गुरु प्यार वाले उस महान शख्सियत का प्रकाश सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे ग्रह विखे माता नानकी जी दी कुक दे विच्चों गुरु बाजार गुरु के महल अमृतसर विखे 1 अप्रैल 1621 नूं होया। इतिहास अनुसार जदों सतगुरु पातशाह जी का प्रकाश होया 6वें गुरदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह दरबार साहब विखे अमृत वेले जो सी ओ कीर्तन जो सी सरवण कर रहे सी, आशा दी वार दा कीर्तन चल रहा सी। कुछ इतिहासकारां अनुसार सतगुरु पातशाह जी नूं उत्थे ही गुरु पातशाह जी दे प्रकाश की जो खबर मिली ते कुछ इतिहासकारां अनुसार सतगुरु जदों उत्थों आ रहे सन रस्ते दे विच खबर लभी है। जदों सतगुरां ने आके तेग बहादुर पातशाह जी नूं देखिया ता आप मुहारे अपनी गोद विच लै के ये गल कह दित्ती कि एक बहुत परउपकारी बालक है जिसने संसार दे अंदर धर्म नूं जो है वह चादर बन के ढकना है। ये संसार दे अंदर दुखी गरीबां दा आसरा ते टेक जो है वह बनेगी। गुरु प्यार वालिओ सतगुरु पातशाह जी का बचपन जो सी ओ गुरु घर दे अंदर गुरु पिता जी की निगरानी दे अंदर जो सी ओ बचपन जो है सतगुरां दा बीतिया है। जदों इतिहासक वालियां तो उन्हां दे सुभा बारे जदों सानू जानकारी लभदी है गुरु पातशाह दा सुभा जो सी ओ धर्मी संत स्वरूप डूंगे विचारवान दलेर निरपै त्यागी गुरमत विद्या ते शस्त्र विद्या दे विच निपुण वधिया घोड़सवार ये सब सतगुरु पातशाह जी ने धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी निगरानी दे अंदर ये सारी विद्या जो सी या ये सुभा ये जीवन जात जो सी वह ग्रहण कीती। गुरु पातशाह अपने भैणां भरावां दे विच सब तो छोटे 6वीं संतान सन। इन्हां तो पहला 4 वड्डे भरा एक भैण जी जो सन वह गुरु घर की संतान सन गुरु पातशाह की। गुरु प्यार वाले वड्डे भरा गुरदित्ता जी के आनंद कारज वेले इतिहास अनुसार उन्होंने जो त्याग ते दीन दुखी गरीबां प्रति जो प्यार है वह उन्होंने जीवन चो झलक लभदी है कि जो बरात तैयार हो रही सी वधिया पोशाक पा के बाहर निकले एक नंगे बच्चे नूं देखिया ते उसनों अपनी पोशाक उतार के दे दित्ती ते जदों वापस घर आए ने माता जी ने रोस प्रगट किया कि भाई इस नूं तैयार करके बाहर कढ़िया सी बाहर भेजिया सी जाके पोशाक किसी नूं देख के आए हन। तां उस वेले 6वें गुरदेव ने एक गल कही सी कि अज किसी का नंगेज ढकण वास्ते इन्हां ने अपने बस्त्र उतार के दित्ते ने लिबास दे दिता है, कल किसी की धर्म नूं बचाउण वास्ते संस्कृति नूं बचाउण वास्ते धर्म की आजादी वास्ते ये शरीरक रूपी जो चादर है ये लिबास है इस नूं भी उतार के देणगे। गुरु प्यार वालिओ जदों सतगुरु पातशाह दे जीवन नूं पढ़दे हाँ गुरु पातशाह दा 13 साल की उम्र के अंदर 1634 आनंद कारज भाई लाल चंद जी
ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਨ ਅੱਤ ਦੇ ਜੋਹਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਮੋਹਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਗ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਆਪ ਰੁਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 1644 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਡੋਲ ਡਾਲ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਕੱਦ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਚੋਲ ਚਿਹਰਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਇਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਗਬਰੂ, ਨਿਮਰਤਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਦੁਖੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਭਾਅ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਡੋਲ ਡਾਲ ਜੋ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤ ਨਿਮਰ ਭੂਤ ਬੀਰ ਗਤ ਦਿਆਲ, ਰਾਜ ਵੇਖ ਵੈਰਾਗ ਵਿਸਾਲ, ਹਿਰਦੈ ਧਨ ਸਭ ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1644 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਨਾਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂਤਾ ਲਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ
हालांकि उस वेले गुरु नहीं सन, पर उस बकाले की धरती के उत्ते जो संगत आउंदियां ने नित की क्रिया के विच संगत होंदी है, उत्थे सवाल पूछा गया कि भगतां नूं दुख क्यों आउंदे ने, तां अगों जवाब सी कि दुखां दे विच ही दुनिया की असलीयत जो है समझ आउंदी है। भगतां नूं इसे करके दुख आउंदे ने कि वह दुख नूं भी प्रभु की दात जो ने समझदे ने, ते दुनिया की असलीयत जो है उहदी समझ पैंदी है। गुरु घर दे विच नाम की महिमा के उत्ते सतगुरां ने जोर दिता, अते आम करके संगत विच इह कहिंदे सन कि नाम की ही महिमा गुरु घर के अंदर है, कर्मकांडा नूं गुरु घर के अंदर कोई थां नहीं। जदों इह सवाल होया कि भगती के किन्ने पड़ा हन, ते गुरु पातशाह यह जवाब देंदे ने कि भगती के तीन पड़ा ने, हर उस चीज नालों मन नूं हटाओ जो परमात्मा वालों जो है चित नूं हटाउंदी है, जिदे कारण तुहानूं परमात्मा चेते आउण तों जो है विसर जावे, उस पासों अपना चित हटा लो। वाहिगुरू नूं सब कुछ जो है भुला के प्रेम करना है, मां भाव दुनियावी मोह तों उपर उठ के परमात्मा दे नाल प्रेम होवे, उठदियां बहिंदियां हर वेले प्रभु प्रकाश विच ही समाए रहना, यह जीवन का मनोरथ है। सतगुरु पातशाह गुरमत की सोझी जो सन वह उत्थे दे रहे थे, विच विच गुरु पातशाह बकाले तो कीरतपुर साहब भी आउंदे सन गुरु पातशाह के दरबार की हाजिरी भरन वास्ते। इतिहास तो यह जो घटनावां ने या यह इतिहास की जानकारी यह गल साबित करती है कि सतगुरु पातशाह धर्म प्रचार भी कर रहे सन, गुरु घर की हाजिरी भरन वास्ते कीरतपुर साहब भी आया जाया करते सन, फिर सवेरे शाम जो सी संगत भी करया करते सन, फिर संगत दे विच गुरमत की सोझी जो सी भी दया करते सन। 1656 कीरतपुर साहब जो ये गए हैं तो गुरु हरराज साहब जी ने आप जी की शख्सियत को देख के आप जी ने हरियाणा, मालवा, उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्व के इलाकों के प्रचार की जो जिम्मेवारी दी। इस तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शख्सियत जो है वह उभर के सामने आती है कि इतने वड्डे इलाके की धर्म प्रचार की सेवा गुरु हर राय पातशाह जी ने सतगुरु जी ने जो सी वह दे दी। सतगुरु पातशाह कुरुखेत्र हरिद्वार प्रचार फेरी के उत्ते निकले हैं, पटवइयां अनुसार परिवारक मैंबर ते निकटवर्ती गुरसिखां नूं नाल लैके सतगुरु पातशाह ने वक् वक् टोलियां बनाईयां, ते जो उन्हां दे नाल डॉक्टर हरि राम गुप्ता अनुसार जो उस वेले सतगुरु परिवारक मैंबर ते गुरसिखां नूं नाल लैके निकले ने, उहदे विच माता नानकी जी, माता गुजरी जी, उन्हां दे साले जो सन किरपाल चंद, सतगुरु पातशाह जी दे भणैये साधु राम भरजाई, फिर मतीदास जी, दयालदास जी, बालू हसना, चौपत राय, दुर्गादास, इन्हां प्रमुख सिखां नूं ते परिवारक मैंबरां नूं नाल लैके सतगुरु पातशाह धर्म प्रचार ते निकले, अते फिर इन्हां गुरसिखां दे नाल वक् वक् टोलियां बना के सतगुरां ने उस कुरुखेत्र हरिद्वार के इलाके दे अंदर प्रचार किया, जिथों ये साबित हो जाता है कि सतगुरु पातशाह धर्म प्रचार के अंदर बहुत वड्डा योगदान जो सन पा रहे सन, अते वड्डी जिम्मेवारी गुरु घर वालों उस वेले तेग बहादुर पातशाह जी नूं दित्ती गई हुई सी। 1660 विच पूरब वल सतगुरु पातशाह जी ने लंबी जो सी वह धर्म प्रचार की यात्रा शुरू की, जिदे विच माता गुजरी जी उन्हां दे नाल नहीं सन, बाकी जो सन परिवारक मैंबरां नूं नाल लैके सतगुरु कुरुखेत्र, दिल्ली, मथुरा, प्रयाग इन्हां इलाकियां दे विच धर्म प्रचार किया। 19 अप्रैल 1665 नूं सतगुरु पातशाह प्रयाग दे विच सन, 21 जून 1661 नूं बनारस की धरती दे उत्ते इन्हां गल्लां दी गवाही पटवइयां चों मिलदी है। बनारस, सासाराम, गया, पटना ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਹਨ। रस्ते विच अठवें पातशाह जी का दिल्ली आउण दा सतगुरु पातशाह जी नूं जो सी उह सुनेहा मिल गया। सतगुरु पातशाह 21 मार्च 1664 नूं जो दिल्ली विच भाई कल्याणा जी की धर्मशाला विच आके पहुंचे ने, फिर उत्थे प्रमुख सिखां दे नाल सतगुरां दा विचार वटांदरा हुंदा। इत्थे गुरु पातशाह जी नूं इस गल दा पता चलिया कि सतगुरु गुरु हरकिशन पातशाह जी अठवें पातशाह राजा जय सिंह जी की हवेली दे विच बंगला साहब विखे ठहरे हुए हैं। फिर सतगुरु पातशाह उत्थे आके गुरु पातशाह जी दे नाल मिलाप होया, उत्थों सतगुरां नूं फिर बकाले भेज दिता गया।
ते अठवें पातशाह जी ने जदों औरंगजेब नूं मिलन तो ना कर दित्ती ते फिर जो औरंगजेब सी उसने अपनी नीति नूं चलदे होए राम राय नूं पक्की जगीर जो सी ला दित्ती उहनूं देहरादून दे इलाके च भेज दित्ता। उस तो पहला ही सरकार जो सी उह धीरमल नूं चुका दे के अपनी शहर दे विच लै के उसनूं जो सी गुरु घर का विरोधी पक्का कर चुकी सी। गुरु प्यार वालिओ सतगुरु गुरु हरकिशन पातशाह जी दिल्ली विच ही सन ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जो सन वह वापस पंजाब की धरती ते उत्थों बकाले आके पहुँच गए। धर्म प्रचार रस्ते दे विच निरंतर जो सी जारी रहा। 3 मार्च 1664 नूं गुरु हरकिशन पातशाह जी जो सन वह ज्योति जोत समा गए, पर इतिहासक वाले अनुसार सतगुरु पातशाह जी ने ज्योति जोत समाउण तों पहला जो सी वह भाई दरगाह मल जी माता कृष्ण कौर जी की अगवाई विच भाई चौपत राय मनी राम नानू ते गुरबख्श आदि सिखा दे वफद नूं जो सी वह बकाले भेज दिता कि गुरता गद्दी दे के उत्थे जाके तुसी जो है तेग बहादुर जी नूं जो गुरगद्दी है उहदी जिम्मेवारी जो है देनी है। पर इतिहासक स्रोतां अनुसार जदों गुरु हरकिशन पातशाह जी दिल्ली की धरती के उत्ते ज्योति जोत समाउंदे हन तां उन्होंने सतगुरु पातशाह जी ने ज्योति जोत समाउण वेले बाबा बसे ग्राम बकाले एक इशारा जो सी दे दिता कि अगले जो गुरु ने वह साडे बाबे भाव साडे बजुर्ग जो रिश्ते दे विचों दादा लगदे ने वह बकाले की धरती ने। ते गुरसिखां वल्लों गुरु माता किशन कौर जी की अगवाई दे विच भाई दरगाह मल जी दे नाल गुरसिखां वल्लों आना इहदी गवाही जो है श्री सरूप सिंह कौशिक की रचित गुरु की साखियां अते ਭਟਵੀ ਤਲੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 22 ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਕਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਨਕਲੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ 22 ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਕਦਾਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਆਪੇ ਪੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਉਗਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਬਣੇ ਫਵੇ ਸਨ ਤਕੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਫਰਜੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਭੇਖੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ, ਸੁਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਚੋਰ ਮਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਮੌਜ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਲਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜਾਏ ਟੇਕਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਧਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਥਾਪੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੋਣ ਚੁਕਾਈ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਚੜ ਕੋਠੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਲਾ ਦੋਰੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਹਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ,
फिर कोठे दे उत्ते चढ़ के आवाजा मारियां, गुरला दोरे गुरु लभ पिया है, गुरु लभ पिया है। इतिहासकार दसदे ने हथ वी पल्ला फड़िया कोठे दे उत्तों आवाजा मारदा फिर चार पासे दौड़ रहा है कि असली गुरु लभ गया जे ये सारे पखंडी जे। गुरु प्यार वाले हो उत्थों वह पखंडी जो सन सहजे सहजे करके उत्थों हटना शुरू हो गए, क्योंकि सतसंगत नू जो सच्चे गुरु गुरु पातशाह जी जो सन वह मिल चुके सन। पर जो गुरु घर के विरोधी सन वह अपनिया करतूतों तो हटे नहीं। तीरमल ने सतगुरु पातशाह जी के उत्ते शीए मसंद नू नाल लैके, क्योंकि ये जो तीरमल सी इसने अपने नाल जो गुंडे सन शीआ मसंद सी इन्हां नू नाल रख के बकाले की धरती तो हटिया नहीं। ये कह रहा सी कि भई भीड़ गुरु ग्रंथ साहब जी की मेरे को है, असली गुरु में हाँ, ये पिछे नहीं सी हट रहा। आखिर इसने अत दी नीच हरकत नीच करतूत जो की गुरु पातशाह जी के उत्ते गोली चलवाई, गुरु घर का माल सबाब भी लुटिया। पर जो भाई मक्खन शाह जी को पता चलिया वड्डे व्यापारी सन, उन्होंने हथियारबंद उन्होंने सेवक सेवादार नाल रहिंदे सन, उन्होंने जाके उस धीरमल तो वह सारा माल सबाब वापस लिया। तो फिर शीए मसंद नूं साथियों उन्हां दीआं मुश्कां बन के सतगुरु के दरबार के हाजिर किया। इत्थे तक वह जो गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ सी उस नूं भी लैके आ गए। पर अगों सतगुरु पातशाह जो सच विच धर्मी सन, सच विच धर्म का प्रचार करने वाले, उन्होंने वह माल असबाब भी मोड़िया। तो फिर नाल वह जो भीड़ सी वह भी दे दित्ती। उहदे विच इक बहुत वड्डा नुकता सी कि अज भी असीं देखदे हाँ कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं थां थां दे उत्ते रख के पखंडी लोकी जो ने वह पंथ दीआं जड़ां दे विच तेल दे रहे ने, वह अज भी पंथ विरोधी बन के पंथ दे विरुद्ध जो ने भुगत रहे ने। पर उस वेले गुरु पातशाह जी ने एक सुनेहा दित्ता सी कि गुरु का जो सिख है जो चेतन है वह सच करके अपने गुरु नूं पहचान लैंदा है। वह जिथे भी गुरु घर का विरोध होने वाला होगा, जिथे गुरमत का कान होने वाला होगा, जे कदे कोई पखंडी गुरु ग्रंथ साहब जी को इस्तेमाल करके उत्थे रखेगा भी तो सिख अपने तो उसनू दूर करेगा, उहदी नेड़ता उहदे नाल नहीं बनेगी, क्योंकि वह समझेगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी को इस्तेमाल करके पंथ धरोह कमा रहा है, पंथ का विरोधी है, मर्यादा का घाण कर रहा है। काश इस गल की सोझी इस गल की समझ अज के सिखां नू आ गई हुंदी तां अज जो भीड़ां गुरु ग्रंथ साहब जी को छड़ के देहधारियों वाले पासे चलियां ने, भावें वह अपने आप नू गुरु ऐलान कर चुके ने या केवल संतां दे रूप में जिहड़े पखंडी ने, मैं उन्हां दी गल करदा, वह संगतां नू गुरु ग्रंथ साहब जी नाल तोड़ के अपनी पूजा करा रहे ने। सिख कौम गुरु तो दूर ना जांदी। गुरु प्यार वालिओ गुरु के गुरु पातशाह जी के प्रगट होने तो बाद सतगुरु पातशाह जी ने जो सी फिर धर्म प्रचार के दौरे जो ने आरंभ किए ने। मेरे को समा नहीं, सतगुरु पातशाह ने फिर जो धर्म प्रचार के दौरे आरंभ किए अपने नाल प्रमुख सिखां नू लिया, ते सतगुरु पातशाह जो सन वह बार बार धर्म प्रचार के वास्ते धर्म प्रचार दीआं फेरियां दे उत्ते निकले ने। इहदे विच जदों असीं इतिहास नू पढ़दे हाँ तो इतिहासकारां दे अनुसार सतगुरु पातशाह जी ने पंजाब ते हरियाणे दे विच प्रचार का दौरा किया, जिहदे विच भाई द्वारका दास भाई मक्खन शाह ते होर सिख जो सन इन्हां नू नाल लिया। माझे दे कस्बियां दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने प्रचार किया ते 22 नवंबर 1664 नू सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह अमृतसर की पावन धरती के उत्ते आए, जिथे मेहरवान का पुत्र हरजी उस वेले प्रबंध जो सी दरबार साहब का चला रहा है। उन्होंने अगों दरबार साहब के दरवाजे जो सन बंद कर दिते। गुरु पातशाह जी अकाल तख्त साहब के उत्तर वाले पासे गुरद्वारा थड़ा साहब विखे कुछ समा रुके, फिर उत्थों बीबी हरो जी की बेनती के उत्ते सतगुरु पातशाह पिंड वल्ले वाले पासे चले गए। पर उस वेले जो उत्थे दे मसंद सन जो उत्थे दे प्रबंधक सन उन्होंने संगतां ने लानतां पाईआं कि गुरु पातशाह आप तुहाडे कोल चल के आए सन। तो इतिहासकार ने पुरातन हवालिया विच सानू इह गल लभदी है कि श्री गुरु करण कारण कृपाल चल कर आए करन निहाल, तुम बेमुख होए दुरे करण में, नै दर्शन कीने तिस छिन में, अब भी जाए यात्रा करो हृदय दुष्टता सगली हरो। मैं ते जदों उन्हां नू किया गया वह आके सतगुरां कोल पहुंचे ने, जदों उन्हां नू दस्या गया कि भाई तुसी बहुत वड्डा जो है गुनाह किया है, सतगुरु करण कारण ने कृपाल ने दयाल ने वह तुहाडे कोल आए सन, तुसी अगों दरवाजे बंद किते। जदों वह सतगुरां कोल पहुंचे तो सतगुरां ने एक गल कही सी, नै मसंद तुम अमृत सरीए त्रिश्ना अगन अंतर ते सड़िए, कि भाई जिहड़ा कोई अमृतसर की पावन धरती से रहने वाला होए
गुरु अस्थान के उत्ते रहने वाला हो अंदर अगर इतनी त्रिश्ना की अग है वो सड़ रहा है तो सच करके ये गल समझ लो कि वह अमृत के उस सोमे दे विच नहीं बल्कि ईरखा की अग दे विच जो है वस रहा है। गुरु प्यार वाले सतगुरु पातशाह फिर उतों जो ने गोइंदवाल साहब तलवंडी जो ने गुरु पातशाह उन्होंने इलाकों के प्रचार वास्ते निकले ने इत्थे भाई दग्गो जी ने उन्होंने बेनती की कि सतगुरु पातशाह तुसी मेरे इलाके दे अंदर जो है धर्म प्रचार करो। सतगुरु ने बागर देश भाई दग्गो दे कहने दे उत्ते हरियाणा दे जिला जींद दे पिंड तमताल विखे इन्हां इलाकों विच प्रचार किया। सिट्टा यह निकलिया कि बहुते लोग जो सन सिखी के दायरे में शामिल होना शुरू हो गए तो फिर सतगुरु पातशाह जी जो सन उन्होंने उस धर्म प्रचार के करके कट्ट जो मुसलमान से जो फिरका प्रस्त हिंदू सन वह दुखी होना शुरू हो गए। उन्होंने लोगों ने सरकार के कोल जो सन वह शिकायत शुरू कर दतिया कि गुरु नानक पातशाह का घर जो है ये साढ़े धर्म वास्ते खतरा है, ये सरकार वास्ते खतरा है। दूजे पासे चंपा रानी की बेनती से उसने जो देखा कि एक पासे भाई दग्गो जी अपने तमताल की धरती के वास्ते सतगुरां नूं कह रहे सन कि तमताल की धरती के उत्ते तुसी नवा जो है सिक्खी का केंद्र उस नूं खोल लवो ते उसने इस चीज़ नूं महसूस किया चंपा राणी ने कि सतगुरु कीरतपुर तो किते ये जो धार्मिक स्थान है क्योंकि वह गुरु घर की श्रद्धालु से किते तमताल वाले पासे ना चले जाण। उसने बेनती की जो इतिहासक गवालियां च लभदा है कि सतगुरु तुसी मेरी इस धरती के उत्ते नवा नगर वसा के जो है अपना धर्म का प्रचार केंद्र खोलो। पर इतिहासकार दसते ने सतगुरां ने उसकी उस बेनती प्रवान करके माखोवाल की धरती खरीदिया उसके तो जो भेट देना चाहती सी नहीं ली बल्कि उस धरती खरीद के 19 जून 1665 चक नानकी की मोहरी जो सी गड्डी जिसन बाद दे विच आनंदपुर साहब जो है वह आनंदपुर साहब के नाँ के नाल असी जानते हाँ इस थान के उत्ते मकान ते बाजार बनाए दूर दूर तो सिखां नूं आके वसाया ते सिख धर्म का फिर एक धर्म प्रचार केंद्र थापिया। फिर सतगुरु इत्थों पटने वाल दूजी बार फिर यात्रा के उत्ते निकले ने फिर जो सतगुरु पातशाह इस वेले फिर मुखी सिखां नूं नाल लैके पटने की धरती वाले पासे चले ने जिदे विच मुखी पटने तो आए हुए सिख भाई दरबारी भाई चैन सुख ते ढाके दे सिख आगू बलानी दास ते जो खुलास चंद सन उन्होंने बेनती की सतगुरु साढ़े इलाकों के फिर धर्म प्रचार वास्ते आओ। इस बार सतगुरु माता गुजरी जी नाल लैके मतीदास सतीदास दयाल जी गवालदास गुरदास संगत जेठा आदि सिखा नाल लैके सतगुरु पातशाह पटने की धरती वाल चले ने ते सतगुरु पातशाह तमताल तो होके जो पटने गए ने ते सतगुरु पातशाह थां थां दे उत्ते प्रचार कर रहे ने सैफाबाद पहुंचे। सैफाबाद दे विच गुरु पातशाह जी दे घर दा अनन सेवक सैफ खान जो शाहजहान दा सांडू भी सी उस वेले कश्मीर दा गवर्नर भी रह चुका सी सरकार वल्लों बहुत वड्डियां उस नूं उपाधियां जो सन वह भी वफादारी दे कारण दित्तियां जा चुकियां सन। सतगुरु पातशाह उहदे कोल ठहर के फिर उत्थों सतगुरु पातशाह बिहार इलाहाबाद दे इलाकियां चों होंदे होए सतगुरु पातशाह जो सन वह पटने की धरती दे उत्ते पहुंचे ने। सतगुरु पातशाह जदों पटने की धरती वल जा रहे ने रस्ते दे अंदर ही सतगुरु पातशाह जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। यह इतिहासक हवालियां दे विच सतगुरु पातशाह जी की पहली जो है गिरफ्तारी जो है वह दर्शाई जा रही है कि सतगुरु पातशाह जी नूं रस्ते दे विच जो सी वह गिरफ्तार करी दे विच रहे ने जिहदे विच जो सी चंपा राणी राणी दे किरदार तो बाद उसने औरंगजेब दे नाल मिलके अते उहदा पुत्र जो सी राम सिंह उहदी जो सी मेहनत दे नाल उन्होंने सतगुरु पातशाह जी की उत्थों रिहाई होंदी है। सतगुरु पटने की धरती तो ढाके पहुंचे ने थां थां दे उत्ते प्रचार कर रहे ने ढाके की धरती दे उत्ते ही सतगुरु पातशाह जी नूं इस गल का जो सी उत्थों सतगुरु फिर जो वापस चले ने सतगुरां नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी के प्रकाश का पता चलता है आके पटने की धरती के उत्ते अपने परिवार को मिलते हैं। उत्थों सतगुरु पातशाह फिर जो ने वापस जो ने वह वापस अपने पंजाब वाले पासे धर्म प्रचार करते आ रहे हैं। गुरु प्यार वाले सतगुरु पातशाह ने मनुखता की बांह पकड़ी जिथे उन्होंने सच धर्म के नाल जोड़िया सच करके परमात्मा के नाल जोड़न का यत्न किया सच धर्म सिखाउण का यत्न किया उत्थे नाल ही यह ज्ञान दिता कि भाई पै काहू को देतना नै पै मानत आन
कि संसार के अंदर तुसी जो है वह किसी हालत विच भी किसी का जो डर है भय जो है उस ना मनना है ना देना है। सच करके धर्म के नाल जोड़न का यत्न किया। एक पासे औरंगजेब जो सी वह तहसबी नीति लैके भारत वर्ष के उत्ते राज कर रहा सी। दूजे पासे सतगुरु पातशाह जो सन वह धर्म प्रचार करके मनुखता जो सी उसनू धर्म के नाल जोड़ रहे सन, परमात्मा के नाल जोड़ रहे सन। बार बार सरकार नू रिपोर्टा भेजिया जा रही सन कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जो ने यह धर्म के वास्ते इस्लाम धर्म वास्ते सरकार वास्ते या दूजिया धर्मां दे वास्ते खतरा बन रहे, जो कि अज भी असीं देख रहे हाँ कि जिथे भी कोई बैठा है वह सिख कौम की चढ़ती कला नू लोकी जो ने वह किसी हालत दे विच भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। गुरु पातशाह जी नू जदों पहली बार गिरफ्तार किया गया तां राणी पुष्पा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ अपने जीवन के अंदर धर्म प्रचार को इतनी पहल दे रहे हैं, गुरु नानक घर की धर्म की जो गल कर रहे हैं उसके पिछे इको एक वड्डा कारण सी कि जो धन गुरु नानक पातशाह जी ने संसार के अंदर धर्म प्रचार किया उसनू सतगुरु पातशाह संसार के अंदर सच धर्म को प्रगट करने वास्ते निकले हुए ने ते कर रहे हैं। गुरु प्यार वाले सतगुरु पातशाह जी को दूजी बार फिर गिरफ्तार किया गया। फिर उस गिरफ्तारी तो बाद सतगुरु पातशाह जी नूं सैफ खान जो सन गुरु के आनंद सेवक ते जिन्हां दी मैं गल कीती के वह औरंगजेब शाहजहां दे साधू सन, औरंगजेब की रिश्तेदारी सी, गवर्नर भी सन इलाके दे रहे हुए ते उस वेले बिहार के होर इलाकों के अंदर भी चंगा उन्हां दा असर रसूख सी। उन्हां दे विच पैण दे उत्ते सतगुरु पातशाह जी दूजी वार की गिरफ्तारी जो सी उहदी रिहाई हुई है। फिर सतगुरु पातशाह पंजाब की धरती वल आए ने, आके धर्म प्रचार कर रहे ने। दूजे पासे औरंगजेब जो है वह सारे भारत वर्ष को इस्लाम के दायरे के अंदर लियाना चाहता है। उसका इको एक निशाना सी अति अत का जालम बादशाह सी जिसने अपने पिता को पकड़ के गिरफ्तार किया, अपने भरावां नू कतल किया। पहली ईद के उत्ते पिता गिरफ्तार किया होया है ते जो तोहफा अपने पिता वास्ते भेजिया, पिता शाहजहां ने सोचिया कि पुत्र आज देश का बादशाह बनया है, शायद इसने मेरे वास्ते ईद वाले दिन कोई तोहफा भेजा होगा। इतिहासकार दसते ने जो उपरों की दुशाला चुकिया गया शाहजहां ने देखा औरंगजेब ने अपने भरा कतल करके उसका सिर जो सी थाल दे विच पा के भेजा। इतना जालम सी इतिहासकार दसते ने कि औरंगजेब नू शाहजहां ने एक चिट्ठी लिखी, उसदे विच लिखिया कि आ मेरे पुत्र बाबाए मिन दा बहादुर मिन दी रोज लख सवार बुदम इमरोज मोहताज यक असाए आबम, कि आ मेरे बेटा मैं 41 भारत वर्ष का बादशाह सा, अज मैं कल मेरे को फौजा सन, अज मैं एक पानी के प्याले के वास्ते तड़प के मर रहा हाँ। अगो औरंगजेब ने जो पिता नू लिखिया कहन लगाया मेरे पिता इस स्याही नू जाया ना कर, जदों तेनू इस गल का यकीन हो जाए कि तेरे श्वास प्यास के नाल मुक्कन लगे ने स्याही का घुट भर के थोड़ा चिर जी लवी, यह उसके जालम पुणे की हद सी। अगो जो शाहजहां ने लिखिया कि आफरीन बाद हिंदुआ हरबाब के मुर्दा राह में दिहंद दाए में आप ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी के जिंदा जानब आप न रसानी, कि बेटा मैं आफरीन कहना हिंदुआ नू जड़े अपने बजुर्गों के अपने गया हुए दे पिछे पानी देंदे ने इस उम्मीद के नाल कि उन्हां मरिया नू पानी लभेगा, पर तू अजब दा मुसलमान है जो मैनू जिंदे पिता नू प्यास वास्ते तड़पा तड़पा के मार रहा है मैनू पानी नहीं दे रहा। इतिहास के अंदर उहदे जुल्म दीआं बहुत सारिया गाथावां ते कहानियां ने कि वह इतना वड्डा जालम बादशाह सी। आखिर उसने जो सी वह हुक्मनामे लागू कर दिते जिदे विच उसने सब तो पहला यह गल कही कि किसी हालात दे विच भी जो हिंदू लोकी ने वह उन्हां दीआं धर्मशालावां उन्हां दे मंदर जो ने उन्हां दी रिपेयर नहीं हो सकती। जदों देखिया कि यह लोग इस चीज़ नूं बर्दाश्त कर गए ने, फिर उस तो बाद दूजा हुक्मनामा जारी किया जिदे विच उन्हां दीआं धार्मिक जो रस्मां सन विद्या जो सी उहदे उत्ते पाबंदी ला दित्ती। फिर उस तो बाद उसने मथुरा ते काशी अयोध्या के जो धार्मिक स्थान सन मंदिर सन उन्हां नूं तुड़वाना शुरू किया, पाठशालावां नूं तुड़वाना शुरू किया, जजिया लगाया, धार्मिक रस्मां मेलियां दे उत्ते बंदिशां लाईआं, सरकारी नौकरियां चों उन्हां नूं बाहर कढ़िया। गुरु प्यार वालिओ अत दा जुल्म शुरू हो गया। फिर
कश्मीर की धरती के उत्ते जो सी बहुत वड्डा जुल्म इस करके शुरू किया गया कि कश्मीर के जो पंडित ने विद्वान लोग ने यह आम करके इतिहास के अंदर हवाले मिलते हैं जो भारत वर्ष के उत्ते हमले होंगे सन तो भारत वर्ष के रजवाड़े अपने लायक लोगों इंटैलीजेंसिया दूर पहाड़ों के कश्मीर भेज देंगे सन कि जे कदे साडा राज भाग बचेगा तो फिर साडे ये लायक तरीन जो लोग ने अगर जे कदे मारे नहीं जाएंगे असी अपनी कमी को अपने हुए नुकसान को पूरा कर सकते हाँ। इस करके इतने के लोग विद्वान करके मने जाते सन धर्म के पक्के करके मने जाते सन तो इस धरती चुड़िया गया कि इतों ही जो है जे कदे कश्मीर के मुसलमान बन जाएंगे हिंदू सारे अपने आप जो है पूरा भारत वर्ष जो है वह इस्लाम के दायरे के आ जाएगा। गुरु प्यार वाले इतिहास के हवाले अनुसार कश्मीर की धरती जो उसकी कठिन नीति का शिकार होना पिया तो अत का जुल्म जो सी वह कश्मीर की धरती के उत्ते शुरू किया गया जिदे विच इत्थे दा जो सूबेदार सी इफ्तिखार खान उसने जुल्म की हद जो है मुका दिती तो कश्मीरी पंडित लोग जो सन उन्होंने जो थां थां दे उत्ते सलाह ते मशवरे शुरू किए। मेरे को समा नहीं इत्थे तक दसिया जाता है कि आखिर काफ़ी जो विचार वटांदरियां तो बाद भारत वर्ष के उगे हुए जो पंडित विद्वान सन उन्होंने सलाह मशवरे तो बाद आखिर एक वफद जो सी पंडित कृपा राम दत्त जी जो ब्रह्मदत्त दे कुल दे विचों सन जिस ब्रह्मदत्त नूं गुरु नानक पातशाह दे नाल विचार चर्चा हुई सी इतिहासकार दसते ने पंडित कृपा राम दत्त 16 मुखी पंडितां हरिद्वार कुरुखेत्र मथुरा दे उन्हां लोकां नूं नाल लैके फिर कश्मीरी पंडितां नूं नाल लैके इह वफद लैके आनंदपुर साहिब दी धरती दे उत्ते इह आके पहुंचिया। इसने आके फिर उत्थे जो सी अपनी बेनती जो सी गुरु पातशाह जी दे अग्गे रखी। इतिहासकार उस गल नूं बड़े बाखूबी ढंग दे नाल पेश करदे ने कि गल दे विच पल्ला सी हाथ जो जुड़े हुए सन अखां दे विच आंसू सन ते जबान थर थरा के कंब के एक गल कह रहे सन रोए पंडित कश्मीर दे गुरु जीओ साडे धर्म दा मैल हुण टह गया है खून अणख दा साडियां अखियां चों हुण वहिंदियां वहिंदियां वह गया है टिक्का कसदियां कसदियां के कस गया है जिहड़े उह लहिंदियां लहिंदियां लै गया है कुल धर्म रुपये चो इक आणा सतगुर रहिंदियां रहिंदियां रह गया है। गुरुआं सुनी फरियाद ते कहन लगे जाओ अज तो तुहानू मैं नहीं रोण देना मैं अज तो तुसां दी वां फड़ लई हुण जुल्म नहीं तुसां ते होण देना। सतगुरु पातशाह जी ने ढारस दित्ती 9 साल दे गुरु कलगीधर पातशाह आके सामने खड़ोते ने सतगुरु पातशाह गुरु नानक दे दरबार दे अंदर अज ये सन्नाटा क्यों यह दुखी ते फरियादी कौन ते सतगुरां ने कहा कश्मीर दे पंडित ने समय दा हक इन्हां दे उत्ते अत दा जुल्म कर रहे हैं सतगुरु इन्हां दा धर्म बचेगा किवें कहन लगे किसी महापुरख धर्मी की कुरबाणी की लोड़ है ते गुरु पातशाह जी ने उस वेले जो ये गल कही तो बाल गोबिंद राय जी ने यह गल कही कि तुहाडे तो वड्डा होर धर्मी कौन हो सकता है गुरु नानक देव पातशाह के घर तो वड्डा परउपकारी कौन हो सकता है। सतगुरु ने कश्मीरी पंडितां नूं रोंदियां नूं दिलासा दिता धारस दिती ते कहन लगे जाओ जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि भाई गुरु तेग बहादुर पातशाह साडे रहबर ने। गुरु प्यार वाले जदों फिर इतिहास इत्थे भी वक् वक् जो दलीलां दे रहा है कुछ कहिंदे ने कि सरहंद दे जो सूबेदार सी उहदे कोलों उहदे राहीं जो सी ये फैसला गुरु पातशाह जी का औरंगजेब तक पहुँचाया गया। कुछ दसते ने कश्मीर के सूबेदार कोल जो सी आके गल दसी गई उत्थों ये फैसला औरंगजेब कोल पहुँचाया गया तो औरंगजेब सतगुरु पातशाह की पहली गिरफ्तारी वेले सतगुरां दे नाल बैठ के पूरी विचार वटांदरा कर चुकिया सी मन बना चुकिया सी कि उस वेले ही सतगुरु पातशाह जी नूं शहीद करना है पर आखिर उसकी वह बेअंत बंदी जो सी सिरे नहीं सी चढ़ी। उस वेले राजा जय सिंह दी धर्म सुपत्री दे उहदे पुत्तर दे जो सी कारण जो उन्होंने जाके सतगुरां दी रिहाई दे वास्ते औरंगजेब दे नाल गलबात कीती सी ते हुण इस वेले उसनूं जदों इस गल दा पता चलिया उहनूं पूरा यकीन सी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह मेरी ईन मन्नण वाले नहीं। गुरु प्यार वाले उस वेले हसन अबदाल की मुहिम जो सी बगावत की उन्होंने रोकने वास्ते दिल्ली तो चलिया है सरहंद के कोलों लंघदिया उन्होंने खबर दित्तियां गई दसिया गया कि गुरु नानक पातशाह का घर गुरु तेग बहादुर पातशाह बिल्कुल उस तरह अपनी निरंतर जो धर्म प्रचार है उसनों जारी रखा हुआ है वह किसी भी तरीके दे नाल तुहाडे पै ते खौफ दे नाल डरे नहीं वह दो बार गिरफ्तार होने तो बाद भी किसी किस्म नाल भी कमजोर नहीं पे ते फिर जो औरंगजेब सी उसने उस वेले सरहंद के सूबेदार नूं हुक्मनामा जो दिता गया जो गुप्ती तौर के उत्ते सी
कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को गिरफ्तार किया जाए। सतगुरु पातशाह पंडित कश्मीरी पंडितों को भेज के सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी को गुरियाई दे के आप ही दिल्ली वाल चल पे सन। सतगुरु के जो दिल्ली वाले पास चले ने तो इतिहासकार दसते ने कि सतगुरु पातशाह जिवें ही उन्होंने सतगुरु ने जो सी रोपड़ तो सरसा पार की तो अगले इलाके के अंदर सतगुरु पातशाह जी जो सन उन्होंने गिरफ्तार जो सी वह कर लिया गया। तो वह जो तीजी गिरफ्तारी सी दूजी गिरफ्तारी आगरे के कोलों हुई सी ते हुण जो तीजी गिरफ्तारी सी सतगुरु पातशाह जी की यह सरहंद के नेड़ों जरा सी रंगड़ा का इलाका अब्दुल अजीज दिलावर खान जो सी उसने दे कोल सतगुरु पातशाह जी को गिरफ्तार करके पहुंचाया गया। तो फिर उतों गुरु पातशाह जी को दिल्ली जो सी भेज दिता गया। गुरु प्यार वाले जो असी इतिहास में पढ़ते हाँ तो फिर इस गल की गवाही लगती है कि सतगुरु पातशाह जी ने 8 जुलाई 1675 को कश्मीरी पंडतों के भेजन के 13 दिन बाद गुरु कलगीधर पातशाह जी को गुरियाई दी। 10 जुलाई 1675 को सतगुरु दिल्ली वाल रवाना होए। उस वेले भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी नाल लिया ते दिल्ली तो दो गुरु के सिख भाई उदय जी भाई गुरदित्ता जी जो सन वह गुरु पातशाह जी के नाल सन। दिल्ली के दो सरसा नदी पार करके मलकपुर रगड़ा तो सतगुरु की गिरफ्तारी हुई। कोतवाल के नूर मुहम्मद खान जो सी कोतवाल उसने सतगुरु को गिरफ्तार करके सरहंद के सूबेदार पास भेजिया। पटवईयां बंसावलीनामा दसां पातशाहियां अनुसार रोपड़ तो गिरफ्तारी जो है यह दसी जाती है। तो बसी पठाणा के कैदखाने सतगुरु को रखण तो बाद 4 नवंबर 1675 को दिल्ली के सतगुरु पातशाह जी सूबेदार साहब खान के हवाले किए गए जिथे सतगुरु अत का जो तसीए सानू दिते गए। गुरु प्यार वाले सतगुरु पातशाह जी को अत के तसीए दिते गए। बार बार यह किया गया कि तुम धर्म जो है उसनों छड़ देवो इस्लाम के दायरे में आ जाओ या कोई करामात दसो। वड्डे सतगुरु पातशाह के उत्ते तसीए इतिहासकारां अनुसार सतगुरु तत्ती रेत पाई गई। सतगुरु तत्ते थंब के नाल जो सी वह तत्ते थंब के सेक दिते गए। फिर सतगुरु के सामने सतगुरु के अनन सेवक भाई मतीदास जी को आरे के नाल चीर के शहीद किया गया। भाई सतीदास जी को जो सी रूह दे विच पा के सार के शहीद किया गया। भाई दयाला जी को देग दे विच उबाल के शहीद किया गया। पर गुरसिखां दी आखरी इच्छा इको सी कि जदों सानू शहीद करो सानू साडे गुरु दे सनमुख रख के शहीद किया जाए। काजी अब्दुल वहाब रोजाना गुरु पातशाह जी दे कोल आउंदा है डरावे दिंदा है सतगुरु पातशाह नू तसीए जो है वह बार बार नीयत करता है पर उदा कोई असर जो है गुरु पातशाह ते नहीं होया। ते फिर 16 नवंबर 1675 नू जो सतगुरु पातशाह जी नू आखिरी वार जो सी शर्तां दसियां गईयां कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या तुसी कोई करामात दसो नहीं तो मौत जो है कबूल करनी पवेगी। सतगुरु पातशाह जी नू जो समय का काजी है वह कह रहा है मैं खानदानी काजी हाँ तुहाडे वर्गे कई धर्मियां नू इस जुल्म राज ने कुचल के रख दिता है मैं कई फतवे दिते ने। तो फिर जलाद कहता है कि सतगुरु तुसी जो है हठ तो हट जाओ इन्होंने तुहानू छड़ना नहीं। सतगुरु कहते जे कि तुसी खानदानी जलाद हो खानदानी काजी हो तो असी भी खानदानी शहीद हाँ। गुरु नानक पातशाह के घर की परंपरा है जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरी जै सिर दीजै कान ना की जै। गुरु प्यार वाले आखिर सतगुरु पातशाह जी को अत दे तसीए देके जो सी समय के जालमा ने जो सी वो 11 नवंबर 1675 को शहीद कर दिता। गुरु प्यार वाले ये शहादत धर्म की आजादी वास्ते सी। विद्वान ने बड़ा सुंदर पुरातन ग्रंथा के हवाला लभदा है प्रगट पहे गुरु तेग बहादुर सगल सिष्ट पैतापी चादर के गुरु तेग बहादुर पातशाह किसी एक धर्म के वास्ते नहीं एक मुल्क के वास्ते नहीं जे कदे उस वेले जुल्म करने वाला किसी होर धर्म का होंदा तो मजलूम इस्लाम होंदा फरियादी इस्लाम होंदा गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस उत्थे भी लगना सी। जे कदे ओ दिल्ली चांदनी चौक की थां कोई होर राजधानी होंगी शिकागो होंगी टोकियो होंगी कोई होर देश होंदा फरियादी उत्थे दा होंदा तो गुरु पातशाह जी की शहादत धर्म के वास्ते उत्थे भी लगनी सी। पर सतगुरु ने जो गल कही सतगुरु ने एक गल औरंगजेब नू जो सुनेहा कलिया वह सी मुला काजियां दे पिछे लगे आए कम आउना नी खोटियां सिक्कियां ने लाली खून की चमकेगी
ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਰੰਗਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਧੋਤੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਤਨੀ ਵੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੱਸੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲਾ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤ ਕਟਾਉਣਾ ਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਉਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਲਾਦ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਵੈਰ ਕਿਤਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਕੇ ਦੇਗਾਂ ਚੁਬਲ ਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਡਲੇ ਨੀਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਸਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੀ ਪਰਖ ਲੈ ਸੋ ਤੇਗਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਮੇਰਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲੈਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇਗ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਹੈ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਗ ਜੋ ਹੈ ਖੋ ਲਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੁਪਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਪੱਤ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਧੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਸਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ
गुरु प्यार वाले सतगुरां की अदुत्ती शहादत इस करके है कि संसार के इतिहास के अंदर उन्हां वर्गी कुरबानी की कोई मिसाल नहीं लभदी। तो फिर शहीदी का इहो जिहा प्रभाव पिया, इहो जिहा प्रभाव पिया कि गुरु कलगीधर पातशाह ने एक आवाज दिती, मैनू लोड़ नहीं लखां बटेरियां की, मैनू लोड़ है इको शेर की, अज मैनू चाहिए अणख का एक छोला, मैनू लोड़ नहीं राख की ढेर की। अज पांच नौजवान उठे, फिर गुरु पातशाह ने खंडे की पौल दिती, इहो जी खालसा पंथ तैयार कर लिया, गुरु नानक पातशाह का सुपना साकार किया कि फिर अज दिन तक मौत दे नाल मखौलां करन वाला वह गुरु का खालसा अपने धर्म स्थान वाल जिहड़ा उच्ची अख करके देखदा है उसकी जीवन लीला नूं खत्म कर दिंदा है। मैनूं प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी के पावन बचन कल ही मेरे साथी चेते करवा रहे सन, कहिंदे सी उहनां नूं मिलणगे, कहिण लगे ठीक है हालात बड़े मारे ने, पंथ के उत्ते खतरा बहुत मंडरा रहा है, लेकिन गुरसिखो एक गल चेते रखियो, जब तक साडे कोल अमृत ते अमृत वेला है, जब तक साडे कोल शब्द गुरु ते शब्द गुरु दा सी पल्ला फड़ के रखिया है, उस देर तक जालम जिन्ने मर्जी जम पैन, जिन्ना मर्जी जुल्म कर लैन, एक गल चेते रखने वाली होगी कि उन्नी देर तक सुखा सिंह महताब सिंह गुरु नानक दे घर दे अंदर, गुरु नानक दे घर दे अंदर बार बार जन्म लैंदे रहणगे, अते ओह अपने धर्म सिद्धांतां, अपने धर्म स्थाना, अपने शब्द गुरु दी जो अजमत दे वास्ते जूझदे रहणगे। सो गुरु प्यार वालिओ, सतगुरां दे जो बाणी दे विच उपदेश ने कि जीवन मनोरथ साडा प्रभु नाल जुड़ना है, साधो गोबिंद के गुण गावो, जदों सतगुरां दी बाणी नूं पढ़दे हां सिमरन की वडियाई करते हैं, हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो, प्रभु नूं जंगलां विच लभना अज्ञानता दसते ने, कायरेपन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तोई संग समाई, परमात्मा तेरे नाल है भाई, इहनूं बाहर ढूंढण दे वास्ते ना जा, थां थां दे उत्ते ठोकरा ना खा, कर्म कांड नूं व्यर्थ दसते ने, मन रे ग्यो ना गुरु उपदेश, कहां पियो जो मुंड मंडायो, भगवो की नो भेस, साथ छोड़ के झूठा लागियो, जन्म अकारत खोयो, कर परपंच उधर निज भोखियो, पश की न्याय सोयो, कर्म कांडा चो बार कढ रहे ने, सच धर्म दे नाल जोड़ रहे ने, फिर जगत नूं नाशवंत दसते ने, ते सतगुरु कहिंदे ने जगत रचना सब झूठ है, जान रियो रे मीत, को नानक थिर नाल है, जो बालू की पीत, कि यह जग रचना जो है रेत की कंध की तरह है। सतगुरु कहिंदे ने ना डरो ना डराओ, पै काहू को देतना मैं पैमान तान, ते मौत नूं अटल सच्चाई, विकारां दा त्याग करना, माया दी नींद तो जागण दे लई संसार कोई पक्का टिकाणा नहीं, सच करके उस प्रभु परमात्मा की बंदगी दे नाल जुड़न दा उपदेश सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह अपनी उस बाणी दे अंदर सानू दे रहे ने। गुरु प्यार वाले मैं फिर बेनती करांगा, इतना प्रचार दे विच प्यार है कि अपने बच्चे नू जो चिरां तो बाद औलाद सी गुरु कलगीधर पातशाह नू देखण वास्ते पांच साल तो बाद पहुंचे ने, धर्म प्रचार नू पहल दित्ती गुरु पातशाह जी ने, अपने जीवन काल दे अंदर धर्म प्रचार किया, ते फिर बकाले दी धरती तो भी बार बार धर्म प्रचार दे वास्ते जाना, भावें गुरु नहीं सन, ते सब तो वड्डी गल त्यागी इतने ने कि गुरु छेवें पातशाह ने गुरु हर राय पातशाह जी नू जदों गुरगद्दी दित्ती ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कोई हुज्जत नहीं कीती कि मैं तुहाडा साहिबजादा हाँ, हक मेरा बनता, मेरे भतीजे नू क्यों दे रहे। फिर जदों असीं संतोखी जीवन की झलक देखते हाँ, जदों हरकिशन पातशाह जी नू गुरगद्दी लभदी है, सतगुरु कोई रोस नहीं कर रहे, जदों इत्थों उहनां दे संतोखी जीवन की झलक, उहनां दी त्याग की झलक लभदी है, नाले सुनेहा लभदा है कि गुरु घर के अंदर जो योग है उसे नूं ही गुरता गद्दी दित्ती जांदी, उसे दी चोण हुंदी है। शायद यह सोच अज साडी बनी हुंदी तां अज जो साडे गुरु घरां दे हालात ने, जिस तरीके की चोण या पुत्र मोह दे अंदर जो पंथ का नुकसान, अपने धड़े दे मोह दे अंदर जो पंथ का नुकसान, जथेबंदियां दे मोह दे अंदर जो पंथ का नुकसान होया है, उस तो बचिया जा सकता सी। आओ सतगुरु पातशाह दे जीवन तो, सतगुरां दी बाणी तो, सतगुरां दी शहादत तो सबक लैके असीं कोशिश करिए सतगुरु बख्शिश करन, जे कदे किनका मात्र भी उहनां दे जीवन दे उपदेश, उहनां दे जीवन दे सिद्धांत, उहनां दी कुरबानी दी गत्ता पर भी अंश साडे जीवन विच आ जावे, पंथ दी विचरदी कला हो सकदी है, साडा भी जीवन सफल हो सकदा है। शायद मैं समय के अंदर सतगुरां की अदुत्ती शख्सियत, सतगुरां की अदुत्ती शहादत, सतगुरां के महान सिद्धांतों के नाल इंसाफ ना कर सकिया होवां, इस करके मैं संगतां तो जरूर खिमा मंगांगा, ओही वध घट लई खिमा करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।